हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली काफी पिंकिश कलर में नजर आ रही है, और साथ ही साथ यहां पर हल्की रेक्टेंगल जैसी फॉर्मेशन बनती हुई जो यहां पर शो कर रही है कि काफी एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी इनकी रहनी चाहिए। और इनकी फिंगर्स की लंबाई यहां पर काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं काफी लंबाई में है फिंगर्स। तो हर काम को यह पूरी तरह से एनालिसिस करके ही शुरू करते होंगे। और अगर हम बात करें यहां पर पर्टिकुलर फिंगर्स की, तो आप देख सकते हैं जो इनकी सूर्य फिंगर है उसकी लंबाई यहां पर ज्यादा है इनकी बृहस्पति फिंगर से, जो शो करती है काफी अच्छी क्रिएटिविटी को। और साथ ही साथ इस तरह की लंबाई होने की वजह से थोड़ी सी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी रहती है। और मर्करी फिंगर यहाँ पर मुझे वीक नजर आ रही है, थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, और वैसे भी मर्करी माउंट जो है थोड़ा लो सेट होता हुआ, जो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स में वीकनेस को, शाइनेस को, शाई नेचर को, ऐसी सब चीजों को दर्शाता है। और यहाँ पर बृहस्पति फिंगर की लंबाई थोड़ी कम है, जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी रह सकती है। अदरवाइज फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। शनि फिंगर बिल्कुल काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, हल्की सी टिल्टेशन के साथ, जिसकी वजह से काफी अच्छी हार्डवर्किंग नेचर रहेगी। काफी अच्छी लंबाई में है इनकी शनि फिंगर भी, और कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं इनकी फिंगर्स के बीच में, जो इनकी जिद्दी नेचर को भी दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के हल्के गैप्स इनकी लगभग सभी फिंगर्स के बीच में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो शो करते हैं थोड़ी सी अग्रेसिव और इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर इनकी रह सकती है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं इनके माउंट्स को थोड़ा क्लोजअप में, तो आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरह से इनकी फिंगर्स की जो है सेटिंग नजर आ रही है, कुछ ऐसे यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से लाइन बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है उसकी सेटिंग सबसे ज्यादा हाई है, सेकंड नंबर पर सूर्य फिंगर, और गुरु और इनकी जो मर्करी है ये थोड़े से लो सेट हो रहे हैं, लेकिन गुरु माउंट अपने आप में काफी यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। फिंगर भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति के पास रहती है, काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी यहाँ पर इनके बृहस्पति माउंट से नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो कोई भी नेगेटिव चिन्ह मुझे इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर नजर नहीं आ रहा, तो अच्छी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं बृहस्पति माउंट की तरफ से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी दिखाई दे रही है एक, तो लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस भी रहेगी, और साथ ही साथ बृहस्पति की तरफ से फैमिली सुख भी व्यक्ति को मिलते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि यहाँ पर थोड़े से वीक होते हुए, शनि माउंट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं शनि माउंट के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से भी फोकस में कमी रहती है। शनि माउंट यहाँ पर थोड़े कमजोर होते हुए, जिसकी वजह से ऑस्पिशियस चीजें जो होती हैं लाइफ में उनमें डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन शनि डिनाई नहीं करते। तो यहाँ थोड़ी स्ट्रगल जो है इनकी लाइफ में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शनि माउंट की इस तरह की पोजीशन की वजह से। ओवरऑल सूर्य माउंट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आ रहे, अगर देखा जाए तो हल्की रेखाएं सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा रेखाएं होना सूर्य माउंट के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर एक स्ट्रांग सूर्य रेखा मौजूद हो कुछ इस तरह से तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ पर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ हल्की ऐसी रेखाएं यहाँ पर सूर्य माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति के भीतर आर्टिस्टिक क्वालिटीज तो रहती हैं, क्रिएटिविटी भी रहती है, लेकिन फोकस नहीं कर पाते ऐसे व्यक्ति, किसी एक चीज के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल पाते। तो ओवरऑल यहाँ पर क्रिएटिविटी इनके भीतर रहेगी। उसका दूसरा रीजन यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी है, आप देख सकते हैं
कुछ इस तरह की आपको दो रेखाएं दिखाई देंगी, और बाकी यह जो लाइन है यह हार्ट लाइन की ब्रांच है, और यह जो क्रेसेंट शेप बन रही है अर्ध चंद्रमा बन रहा है, कुछ इस तरह से ये कंप्लीट बन सकता है। अगर पूरी तरह से कैसे अर्ध चंद्रमा बन जाए तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, काफी क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, लेकिन अर्ध चंद्रमा बनने से व्यक्ति के भीतर एंग्जाइटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी तो बढ़ती है इससे, क्योंकि वीनस का ये गर्डल है, लेकिन ओवरऑल अगर ये कंप्लीट हो तभी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन इस तरह की फॉर्मेशन होने की वजह से व्यक्ति को मूड स्विंग जैसी दिक्कत रह सकती है, एंग्जाइटी जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से मूड का बहुत अच्छा होना और अचानक से मूड ऑफ हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स का लाइफ में सामना करना पड़ता है अगर इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस हाथ में बनता हो। आगे आप देख सकते हैं सूर्य माउंट और शनि माउंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़े से दबते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर देखा जाए इनके मर्करी माउंट को तो मर्करी फिंगर की आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बाकी फिंगर्स के मुकाबले मर्करी फिंगर वीक होती हुई और लो सेट होती हुई, जो कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस को भी शो करती है। तो यहाँ पर थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहेगी, कॉन्फिडेंस में कुछ कमी रहने के चांसेस रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते और स्ट्रेंजर्स के सामने, औरों के सामने ऐसे व्यक्ति खुलकर बात नहीं कर पाते अगर मर्करी माउंट जो है लो सेट हो। तो ओवरऑल हमने सभी माउंट्स को यहाँ पर चेक किया, तो अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इनके हाथ में सिमियन लाइन जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ, नॉर्मली क्या होता है जब हार्ट की लाइन और माइंड की लाइन एक ही हो जाए, जुड़ जाए आपस में, तो वो सिमियन लाइन कहलाती है। तो यहां पर कुछ इस तरह की लाइन बन रही है, नॉर्मली किस तरह से दोनों लाइंस यहां पर बिहेव करती हैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह से हार्ट की लाइन चलती है इस एरिया में ऊपर की तरफ, और यहां से इस तरह से नीचे की तरफ होती है माइंड की लाइन। तो अगर ये दोनों लाइंस एक ही रास्ते पर चल पड़े तो उसे सिमियन लाइन कहा जाता है। आप देख सकते हैं जैसे इनके केस में हो रहा है, यह बिल्कुल सीधी चल पड़ी, जहां से हार्ट की लाइन की कमेंसमेंट होती है वहां पर इनकी माइंड की लाइन पहुंच रही है, और हार्ट की लाइन यहां पर कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो यहां पर इन्हें इमोशनल बना रही है। अगर यह हार्ट की लाइन की ब्रांच यहां पर मौजूद ना होती, जिसको मैं अभी एरो करके आपको दिखला रहा हूं, इस लाइन की, इस ब्रांच की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, अगर यह वाली लाइन यहां पर ना होती तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हो जाती इनकी, लेकिन यहां पर इमोशंस भी हैं। और दूसरी चीज, जिस तरह से इनकी माइंड की लाइन दिखाई दे रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी भी रहेगी, वर्क अल्कोहलिक टाइप की पर्सनैलिटी बन जाती है जब सिमियन लाइन बनती है। तो ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं अपने काम के चक्कर में, अपने प्रोफेशन के चक्कर में, और जिस वजह से फैमिली की तरफ से पूरी तरह से सुख नहीं मिल पाते, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या मैरिज में देरी हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब भी सिमियन लाइन जैसी पोजीशन सिचुएशन हाथ में बनती हो। और दूसरी चीज, यहां पर इस लाइन को अगर देखा जाए तो यह लाइन पूरी तरह से इनकी लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है, बहुत ही फेयर गैप आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधी लाइन ड्रॉ कर, यह गैप यहां पर नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होने की वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है, किसी के आगे झुकता नहीं है, अपनी मनमर्जी करने की भी आदत रहती है, एक तरह से रिबेलियन टाइप की क्वालिटीज आ जाती हैं व्यक्ति के भीतर जब माइंड की लाइन और लाइफ लाइन दोनों आपस में शुरू में जुड़ी हुई ना हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिबेलियन टाइप के होते हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं मानने वाले और थोड़ा हटकर बिहेव करने वाले, कुछ इस तरह की नेचर रहती है। अदरवाइज माइंड इनका काफी शार्प रहेगा, क्योंकि इनकी जो लाइन है काफी स्ट्रांग है, काफी लंबाई में दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें आपको एक आइलैंड दिखाई देगा जो कुछ इस तरह से बन रहा है। आइलैंड का चिन्ह इस तरह से बनता है जब कोई लाइन सीधी चलती हो और उसमें इस तरह से एक द्वीप का चिन्ह बन जाए तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो यहां पर एक आइलैंड का चिन्ह बनता हुआ जो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, मानसिक तनाव दे सकता है, माइंड से रिलेटेड कोई दिक्कतें लाइफ में रह सकती हैं, वो भी मिडिल एज में चलकर। तो यह आइलैंड का चिन्ह यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान करने वाला है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी है, लेकिन शुरू में शैलो होती हुई और मिडिल एज के बाद काफी स्ट्रेंथ लेती हुई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शुरू में अप्स एंड डाउन्स इनको काफी ज्यादा देखने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है लाइन का शुरू का, यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग लाइन इस तरह की लाइन को मानते हैं जो बिल्कुल सीधी लाइन हो, चौड़ाई में ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की चौड़ाई नजर आ रही है, मिडिल एज तक थोड़ी स्ट्रगल है, उसके बाद की लाइन यहाँ पर काफी स्ट्रांग। और यहाँ पर 40 के आसपास की एज में काफी अच्छा एक ऑफ शूट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 40 के आसपास इनको काफी अच्छी तरक्की मिलने वाली है। और अगर देखा जाए तो फेट लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से चलती हुई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फेट लाइन नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। करियर से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनकम अच्छी रहेगी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर विया लसीविया जैसी फॉर्मेशन, जब भी कोई लाइन आड़ी होकर चले और एक तरह से सिस्टर लाइन जो मरकरी लाइन की रहती हैं, ऐसी लाइंस व्यक्ति को कुछ कहीं ना कहीं कुछ एलर्जीज या फिर किसी तरह की एडिक्शन देने की समर्था भी रखती हैं। ओवरऑल मंगल लाइन यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से अच्छी प्रॉपर्टी यह बना पाएंगे। और इस तरह की लाइन होने की वजह से व्यक्ति को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी रहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा जिस एरिया में एक रेखा इनकी लाइफ लाइन को काट कर आगे निकल रही है, कुछ यहाँ पर इस एरिया में 65 और 70 के आसपास की एज में हेल्थ को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एज इनकी लंबी रहने वाली है, 80 प्लस की एज रहेगी। शुक्र एरिया यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें सुख सुविधाएं मिलेंगी क्योंकि कोई बैड मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर जो इनका चंद्रमा का एरिया मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।